यूपी के बस्ती में दबंगों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। सात दबंगों ने घर में घुसकर रेप की नाकाम कोशिश की। रेप में नाकाम होने पर दबंगों ने लड़की पर केरोसिन तेल छिड़कर आग लगा दी। लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, हालत बेहद गंभीर बनी। लड़की ने साफ दरिंदों के नाम बता दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एफआईआर में सिर्फ जलाने का जिक्र किया है, रेप की कोशिश का जिक्र नहीं है। यूपी के मेरठ में 12 साल की लड़की से तीन लड़कों ने अगवा कर गैंगरेप किया। गैंगरेप को स्कूल के हॉस्टल में अंजाम दिया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दो अभी भी फरार। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम जब घर में अकेली थी तो पड़ोसी सतीश ने उसके साथ रेप की कोशिश की। यूपी के बलरामपुर में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के दो लड़के आरोपी हैं। पुलिस ने 5 दिन बाद मामला दर्ज किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बदायूं गैंगरेप केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बदायूं गैंगरेप के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। दिल्ली में भी बदायूं गैंगरेप के खिलाफ महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बदायूं गैंगरेप के खिलाफ मेरठ में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बदायूं जाएंगी, गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार आज बदायूं जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बदायूं जाएंगी, गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार आज बदायूं जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बदायूं में गैंगरेप के बाद मारी गई दोनों बहनों के घर पहुंचे, सीबीआई जांच की मांग। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल ने कहा कि मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बदायूं गैंगरेप के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राहुल गांधी बदायूं में उस जगह पर भी गए जहां दोनों नाबालिग बहनों से गैंगरेप हुआ। राहुल के बदायूं पहुंचने के दौरान इलाके की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बदायूं में रेप पीड़ित से मुलाकात की। कानपुर में समाजवादी पार्टी समर्थकों ने थाने में गुंडागर्दी की। थाने में बंद एसपी कार्यकर्ताओं को विधायक सतीश निगम छुड़ा कर ले गए। समाजवादी पार्टी के विधायक सतीश निगम ने कहा कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। दरअसल दो गुटों में मारपीट हुई थी। एसपी कार्यकर्ता जीटी रोड पर धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। आलोक रंजन यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। आलोक रंजन को जावेद उस्मानी की जगह चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। रंजन ने पद संभालने के बाद कहा कि वो सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जावेद उस्मानी यूपी सरकार के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, वो खुद पद छोड़ना चाहते थे। यूपी में बिजली संकट दूर हो सकती है, केंद्र सरकार ने एनटीपीसी को यूपी को 325 मेगावाट बिजली देने को कहा। इससे पहले बिजली संकट पर यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को कम बिजली देने का आरोप लगाया था। मेरठ में बिजली कटौती का महिलाओं ने विरोध किया, बीजेपी महिला प्रकोष्ठ ने अखिलेश सरकार का पुतला फूंका। इलाहाबाद में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में केरल की रहने वाली एक महिला फंदे से लटकी पाई गई, महिला नर्सिंग ब्यूरो चलाती थी। 27 साल की प्रिंसी गर्भवती थी, उसकी लाश पंखे पर लटकी हुई मिली। महिला के घरवालों ने पति को आरोपी बनाया है। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, पति पर दूसरी लड़की से संबंध का भी आरोप। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में 35 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद से युवक परेशान था, 2 महीने पहले पत्नी ने घर छोड़ दिया था। दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। साथ पढ़ने वाले लड़के ने छेड़छाड़ के बाद लड़की को पीटा भी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पटना सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, 2 लड़के और 3 लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पकड़े गए एक लड़के के पास एक देसी कट्टा और 16 कारतूस मिले, एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया। जयपुर में रेप पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलने को लेकर महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। पिछले साल सीकर में बिहार की रहने वाली लड़की से गैंगरेप हुआ था, उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई।
स्पीकर रेप कांड की शिकार लड़की के दोषियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के बाहर दो नवजात बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कानपुर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, ये आग रात 2 बजे के करीब लगी। जिस वक्त पंजाब पेंट की फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर थे, जैसे तैसे सभी को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शंकर मार्केट के बिल्डिंग में बीती रात आग लग गई, इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह आग शंकर मार्केट में स्थित रेलवे के कर्मचारी विश्राम गृह की पहली मंजिल पर लगी, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग की खबर लगते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के नरेला में सीएनजी पंप पर एक कार में गैस भरते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया, एक शख्स घायल हो गया, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, फैक्ट्री में पहले किसी मशीन में ब्लास्ट हुआ। नागपुर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी से रेलवे की लापरवाही की पोल खुल गई है, आग की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशन पर इंतजाम नाके बराबर। केजरीवाल की पार्टी में बड़ी फूट है और आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव ने पार्टी की पीएससी से इस्तीफा दे दिया है। आपके संजय सिंह ने कहा कि योगेंद्र यादव का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर नहीं किया। योगेंद्र यादव के बाद हरियाणा में आपके संयोजक नवीन जैन ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में खराब प्रदर्शन की वजह से योगेंद्र यादव और नवीन जैन में मतभेद हो गए थे, इसलिए दोनों ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में हार पर योगेंद्र यादव ने नवीन जैन की शिकायत केजरीवाल से की थी, पार्टी ने नवीन जैन को डांट लगाई थी। इस्तीफे के बाद योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगेंद्र यादव को पार्टी सीएम प्रोजेक्ट करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार से हैरान है। एक एक कर सभी आप नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, 24 मई को शाजिया ने भी पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी पर धन्यवाद देने पंजाब जाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, केजरीवाल उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां पार्टी को जीत मिली। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर पीओके का नाम बदलकर अधिकृत जम्मू कश्मीर करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान को यह संकेत देना चाहती है कि अब बात जम्मू कश्मीर नहीं पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। सूत्र ये भी बता दें कि मोदी सरकार कश्मीर घाटी से पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। धारा 370 पर आरएसएस जल्द बहस चाहता है, नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ ने ये बात कही। संघ के सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल ने कहा कि एनडीए की सरकार बनाने में धारा 370 के मुद्दे का भी अहम योगदान है। मोदी सरकार ने पिछली सरकार के 30 मंत्री समूह और उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह को भंग कर दिया है, अब मंत्रालय खुद बड़े फैसले ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी महासचिवों के साथ सेमिनार में 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक में राजनाथ सिंह और संगठन के रामलाल भी मौजूद थे, मोदी ने महासचिवों को मंत्र दिया। बीजेपी महासचिवों को मोदी का पहला मंत्र, अगर सरकार कोई गलती करती है तो संगठन सरकार को बताए। बीजेपी महासचिवों को मोदी सरकार का दूसरा मंत्र, राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए संगठन तैयार है। बीजेपी महासचिवों को मोदी का तीसरा मंत्र, पार्टी कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाए, उन्हें उचित सम्मान मिले। बीजेपी महासचिवों को मोदी का चौथा मंत्र, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाना पहली प्राथमिकता। नरेंद्र मोदी का जादू फेसबुक पर भी चल रहा है, प्रधानमंत्री के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लाइक मिले हैं। मोदी कैबिनेट में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जगह नहीं मिलने से शत्रुघ्न सिन्हा ने नाराजगी जताई है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के आडवाणी में हर तरह का पद संभालने की क्षमता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राविंद्रजीत सिंह ने कहा कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। शहरी विकास मंत्रालय ने यूपीए के 55 मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा। इस नोटिस में सभी मंत्रियों को 26 जून तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। लोकसभा टीवी के सीईओ पद से हटाए जाने वाले राजीव मिश्रा ने कहा कि मीरा कुमार के हार की खबर चलाने की वजह से उन्हें हटाया गया।
लोकसभा सचिवालय की तरफ से 30 मई को जारी नोटिफिकेशन में राजीव मिश्रा के कार्यकाल को 31 मई 2014 तक सीमित किया गया था। के चंद्रशेखर राव 2 जून को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। के चंद्रशेखर राव ने अपने शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है। चंद्रबाबू नायडू 8 जून को सीमांध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, फैसला हर महीने मामूली कीमत बढ़ाने की नीति के तहत हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कल से फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे। एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ठाकरे खानदान के पहले शख्स राज ठाकरे होंगे जो चुनाव लड़ेंगे। मुंबई की रैली में राज ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि मोदी की जीत से उत्साहित होकर राज ठाकरे ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राज ठाकरे के चुनाव लड़ने के ऐलान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने खुशी जताई। कल राज ठाकरे ने मुंबई में रैली की थी। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अधेरी स्पोर्ट्स क्लब में विजय रैली करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र से पहले सरकार ने आज चाय पार्टी बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया। चाय पार्टी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मीडिया को संबोधित करेंगे। वो सहाद्री भवन में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने सर्टिफिकेट मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो एलएलबी की पढ़ाई पुणे के बीजीएल कॉलेज से उन्होंने की है, जबकि न्यू लॉ कॉलेज को प्रिंटिंग में गड़बड़ी बताया। गोपीनाथ मुंडे पर चुनाव आयोग को गलत हलफनामा देने का आरोप है। मुंडे ने लिखा है कि उन्होंने न्यू लॉ कॉलेज पुणे से 1976 में डिग्री प्राप्त की, जबकि इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड पर बुलडोजर का खतरा फिर से मंडराने लगा है। कंपाउंड को खाली करने की मियाद कल खत्म हो गई। कैंपाकोला कंपाउंड में रह रहे परिवारों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक अवैध फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। मुंबई में वेब चैटिंग के जरिए ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। खुद को मॉडल बताने वाली एक लड़की ने चैटिंग के दौरान लड़के की अश्लील क्लिप बना ली। करनाल में रिटायर्ड साइंटिस्ट से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इकोनॉमिक सेल ने जांच शुरू कर दी है। ठगी करने वाले गिरोह ने पूर्व साइंटिस्ट को हरियाणा के राज्यपाल का ओएसडी बनाने का झांसा दिया था। मध्य प्रदेश के राजौंद में बेटी को दहेज देने के लिए मां ने 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर चोरी की। 5 लाख रुपए से ज्यादा के लैपटॉप देर रात बरामद हुए हैं। मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुकानों के शटर तोड़कर ये चोरी करते थे। संतोष गंगवार की बात हम करेंगे, लेकिन पहले बरेली की खबर। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का जोरदार स्वागत हुआ। बरेली रेलवे स्टेशन पर गंगवार पर फूलों की बारिश की गई। संतोष गंगवार के स्वागत के लिए जगह जगह समारोह आयोजित किए गए। मंत्री बनने के बाद संतोष गंगवार पहली बार बरेली पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर से लगातार 3री बार सांसद बने हैं अनुराग ठाकुर। सीएम अखिलेश यादव आज चंदौली में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय गंजी प्रसाद के आदमकद मूर्ति का अनावरण करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद जाएंगे, जहां वो एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद से करीब 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीता था। जनरल ने कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में साबरमती जेल में बंद निलंबित आईपीएस अधिकारी बीजी वंजारा शनिवार को रिटायर हो गए। गुजरात कैडर के आईपीएस वंजारा का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया था। वंजारा पिछले 7 साल से जेल में बंद। ईशाजाम मुठभेड़ केस में आरोपी आईपीएस अधिकारी वीएस सिंघल को बहाल कर दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिए गए हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में दिल्ली की अदालत ने यह फरमान सुनाया। दाऊद के साथ उसके सहयोगी छोटा शकील और 3 अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने की कोर्ट ने आदेश दिए। शिमला में स्कूली छात्रों ने तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाया है। लोगों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन 300 स्कूली बच्चों ने तंबाकू के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया। राजकोट में एक आदमी ने मिट्टी की फ्रिज बनाई है। ये फ्रिज बिना बिजली के चलता है। मनसुख भाई प्रजापति नाम का ये कुम्हार फ्रिज के अलावा मिट्टी का प्रेशर कुकर और ब्रेड मेकर भी बना चुके हैं। यमुनानगर में कॉलेज के 4 छात्रों ने मौसम की जानकारी देने वाला रॉकेट तैयार किया। ये रॉकेट आसमान से गिरने वाली बिजली के बारे में भी बताएगा। इस रॉकेट का ट्रायल कर लिया गया है। लड़ाई में पैर गंवाने वाले अफगानी लोगों को मुफ्त में जयपुर फुट कृत्रिम पैर देगा। कृत्रिम पैर मुहैया कराने के लिए जयपुर फुट ने अफगानिस्तान सरकार से करार किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा आम को ब्राजील निर्यात किया जाएगा।
पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के विकास के लिए योजना की लिस्ट सौंपेंगे। पंजाब में बिजली की भारी किल्लत हो रही है, राज्य सरकार दूसरे राज्यों से बिजली खरीदेगी। देश के अलग अलग जेलों की सजा पूरी कर चुके सिखों की रिहाई के लिए पटियाला में मार्च किया गया। दुर्घटना में अपाहिज जालंधर की डिजाइनर आरतीश्री की तमन्ना है कि वो आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के लिए कहानी लिखे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा। सुषमा के साथ शिवराज भी उनके साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश के रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर ट्रक और बुलेरो की टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तेज गति की वजह से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण को गर्मी से बचाने के लिए खास श्रृंगार किया गया। 300 साल से चली आ रही परंपरा, भगवान श्रीकृष्ण के नए श्रृंगार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास के जंगलों में 15 हिरणों की मौत हो गई है, वन विभाग को मौत के कारणों का पता नहीं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में जख्मी जवान पंकज सूर्यवंशी शहीद हो गए, 30 मई को मुठभेड़ हुई। झारखंड के चतरा में भयंकर तूफान में पेड़ उखड़ने और बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 8 लोगों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। धनबाद के बलियापुर में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रेलवे में बड़े बदलाव हो सकते हैं, 4S यानी कि सेफ्टी सर्विस सिक्योरिटी और स्पीड पर फोकस रहेगा। भारतीय रेल भोपाल शताब्दी समेत आधा दर्जन ट्रेनों में LED स्क्रीन लगाने जा रहा है। कम डिमांड, ग्लोबल रुख में नरमी से सोने के दाम में 100 रुपए की कमी, 10 ग्राम सोने की कीमत 27,400 रुपए तक पहुंची। ट्रेड यूनियन सीटू ने डिफेंस सेक्टर में 100% FDI के विरोध का ऐलान किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने डिफेंस सेक्टर में 100% FDI को फायदेमंद बताया है। दिल्ली में बिजली कटौती का खतरा टल गया है, BSES से यमुना और राजधानी ने NTPC के बकाए 700 करोड़ रुपए चुका दिए। एयर इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में 100% FDI को फायदेमंद बताया है। दिल्ली में बिजली कटौती का खतरा टल गया है, BSES से यमुना और राजधानी ने NTPC के बकाए 700 करोड़ रुपए चुका दिए। एयर एशिया की उड़ान पर ताला लग सकता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने उड़ान की इजाजत को नियम के खिलाफ बताया। देश के विदेशी पूंजी भंडार में 2 अरब 26 करोड़ डॉलर की कमी हुई है, विदेशी पूंजी भंडार 312 अरब डॉलर हो गया। भारतीय मूल के बिजनेसमैन रजत गुप्ता 2 साल तक जेल में रहेंगे। गूगल एंड्रॉयड TV लॉन्च करेगा, इस TV में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलेगी।